फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं गुजरात का फेमस खोपरा स्टेक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत कम इंग्रेडिएंट में बनके बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे आप लास्ट तक देखिए। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने खोपरा के लिए डो लगाने के लिए एक ट्रे ले लिया है। ट्रे में हम ये बेसन डाल देंगे। तो ये चने का आटा है, इसे ग्राम फ्लोर कहते हैं अंग्रेजी में, अब जिस नाम से जानते हैं समझ लीजिएगा। हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। वैसे खोपरा में बिल्कुल हल्का नमक ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच खाने वाला सोडा, यहाँ पे इसे मीठा सोडा भी कहते हैं, तो इसे हम डाल देंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन हमने एक चम्मच लिया है और इसे हम हथेली से ऐसे मसल लेंगे। मसले हुए अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। आप कोई भी रेसिपी में जहाँ अजवाइन ले रहे हैं, ऐसे हथेलियों से मसलते हुए इसमें डाल दीजिए। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं अपनी ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। तो यहाँ पे हम एक चम्मच तेल डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तेल हम बाद में मसाले में यूज कर लेंगे थोड़ा सा। तो पानी हमें बिल्कुल लिमिट से डालना है, क्योंकि चने का आटा यानी बेसन ज़्यादा पानी नहीं सहता है और ये चिपचिपा भी होता है। तो हमें बस ऐसे मसलते हुए पानी को यूज करना है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो हम ऐसे इसे अच्छे से मसलते हुए डो तैयार करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं अपनी ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। तो यहाँ पे हम एक चम्मच तेल डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तेल हम बाद में मसाले में यूज कर लेंगे थोड़ा सा। तो पानी हमें बिल्कुल लिमिट से डालना है, क्योंकि चने का आटा यानी बेसन ज़्यादा पानी नहीं सहता है और ये चिपचिपा भी होता है। तो हमें बस ऐसे मसलते हुए पानी को यूज करना है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो हम ऐसे इसे अच्छे से मसलते हुए डो तैयार करेंगे। हम एक एक चम्मच पानी डाल रहे हैं और डो को अच्छे से मसल रहे हैं, क्योंकि अगर पानी ज्यादा हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। वैसे आप सूखे बेसन से इसे कवर कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हमें जितना बनाया है उतना ही बेसन अपने पास हो तो हम क्या करेंगे। इसके लिए हम पानी बहुत लिमिट से डालेंगे। तो ये बेसन जो है हाथ में चिपक रहा है, इस स्टेज पे हम लेंगे थोड़ा थोड़ा तेल और हाथ को ऐसे ग्रीस कर लेंगे और ये ट्रे जो है इसमें भी थोड़ा सा लगा देंगे, फिर हम इसे मसलना शुरू करेंगे। तो ये प्रोसेस हम कई बार करेंगे। जब ये चिपकना शुरू होगा हम थोड़ा थोड़ा तेल लेके इसे अच्छे से मसलेंगे। तो हमने थोड़ा थोड़ा तेल डाल के हाथ को ऐसे ग्रीस करना है और इसी तेल में से ट्रे में भी दो दो बूंद लगा देना है, फिर हथेली की मदद से इसे मसलना है। ये प्रोसेस हम दो से तीन बार करेंगे तो ये अच्छे से डो तैयार हो जाता है। डो अच्छे से गूंदना बहुत जरूरी होता है। तो आप देख सकते हैं अपना ट्रे से बिल्कुल चिपकना बंद हो गया है और अच्छे से लोच भी आ रही है अपने बेसन की डो में। तो हमें खोपरा के लिए ऐसे ही डो तैयार करना होता है। हलवाई लोग ज्यादा क्वांटिटी में करते हैं तो उन लोगों का ज्यादा बड़ा बर्तन, ज्यादा तेल, तो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होता है। हम तो घर के लिए थोड़ा सा बनाते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया डो तैयार हुआ है। एक बार मैं आपको ऐसे उंगली से प्रेस कर रही हूँ, अच्छे से डो तैयार हो गया है। अब हम इसे कवर करके फूलने के लिए छोड़ देंगे।
तो हम डो को ऐसे कवर करके 20 मिनट या आधे घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम फाफड़ा तैयार करेंगे। आधा घंटा हो चुका है, चलिए अपनी फाफड़ा का डो चेक कर लेते हैं। तो हम ढक्कन को हटा लेंगे धीरे से। आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ, अच्छे से फूल गया है। फिर भी हम इसे हथेलियों से 1 से 2 मिनट ऐसे मसल लेंगे, ऐसे ही मसलना है हमें। इसमें ना कोई पानी डालना है और ना ही तेल, बस ऐसे मसल लेना है। हमने डो को अच्छे से मसल लिया है, अब हम इसके पेंडे बना लेंगे। तो हमें जितना बड़ा फाफड़ा बनाना होगा उतना बड़ा बड़ा बॉल्स तोड़ेंगे, लेकिन हम लोग क्या है घर के लिए बनाते हैं तो उतना बड़ा भी नहीं बनाएंगे। एक छोटा छोटा लोई निकालेंगे, आप देख सकते हैं हलवाई लोग जो है वो बेचना होता है तो बड़ी सी कढ़ाई में तेल भरते हैं और बड़े बड़े पीसेस लेते हैं, लेकिन ये तो हम घर के लिए बना रहे हैं तो इसको ऐसे छोटे छोटे बॉल्स तोड़ लेंगे और हथेली की मदद से हम इसे ऐसे गोल कर लेंगे। हमने डो का एक लोई तैयार कर लिया है और उधर हम तेल गरम करने के लिए रख दिए हैं। हमने लोई तैयार कर लिया है, अब हम इसमें से एक लोई उठाएंगे और बाकी के लोई को ढक देंगे। इससे क्या होगा, ये सूखेगा नहीं और हम प्लेटफॉर्म पे ही इस लोई को रखेंगे और हथेली के इस हिस्से से हम इसे प्रेस करते हुए आगे की तरफ ले चलेंगे। तो एकदम लास्ट पॉइंट से हम दबाएंगे और जहाँ तक अपना बेटर जाएगा वहाँ तक खींच लेंगे। तो हमें चाकू के हिस्से से ऐसे हिलाते हुए फाफड़ा को निकाल लेंगे। ध्यान रहे चाकू एकदम शार्प होनी चाहिए तभी ये अच्छे से निकलता है। कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा आप सावधानी बरती है तो अच्छे से अपनी फावड़ा जो है वो निकल जाता है। आप देख सकते हैं हमने कितना छोटा लोई लिया था और कितना बड़ा फावड़ा तैयार हुआ है। तो चलिए हम इसे तेल में फ्राई करना आपको दिखा देते हैं। कढ़ाही में हमने तेल अच्छे से गर्म कर लिया है, अब फाफड़ा को हम धीरे से इसमें छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं फाफड़ा डालते एकदम तैरने लगा, कितना बढ़िया अपना फाफड़ा फूल रहा है। स्टार्टिंग में हम इसे हाई फ्लेम पे सेकेंगे, फिर हम इसे स्लो करके धीरे धीरे इसे कुरकुरा तैयार करेंगे जिससे ये क्रिस्पी होगा। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया, हमने सभी फाफड़े तैयार कर लिए हैं। ये कितना बढ़िया फाफड़ा तैयार हुआ है, घर में शुद्ध तेल का बना हुआ ताजी ताजी फाफड़ा। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया, हमने कितनी आसानी से फाफड़ा घर पे तैयार कर लिया। इसे आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत, जिससे हमें पता चल सके।